बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा यानी कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इस पेपर की बात करें तो इस पेपर को मैंने पूरी तरह से कम्प्लीट करा दिया था। यूनिट वाइज मिक्सअप था, यूनिट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड और फोर्थ ये सभी मिक्सअप था। चूँकि बच्चों के कमेंट आए कि मैम आप यूनिट वाइज टॉपिक वाइज चीज़ें बताइए, तो यहाँ पर हम यूनिट वाइज लेकर के आ गए। ठीक है, यूनिट वाइज भी हमने लगभग थर्ड यूनिट आधी कंप्लीट कर ली है। इस वीडियो के बाद थर्ड यूनिट चूँकि बहुत बड़ी है तो उस थर्ड यूनिट से एक और पार्ट आएगा। उसके बाद यूनिट फोर्थ को हम एक वीडियो में कवर कर देंगे। इस तरह से 25 जुलाई 2021 तक आपका पूरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपके पेपर के एक दिन पहले सुपर फास्ट रिवीजन होगा, जिसके अंतर्गत हम इनसे जो भी एमसीक्यूज बता रहे हैं इनके अलावा भी कुछ और ऐसे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का लिखित एक बताया था, चीज़ें इंक्लूड की थी, वैसे ही फोर्थ वालों के लिए भी हम चीज़ें लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पार्ट टू है अगर हम यूनिट थ्री की बात करें, यूनिट थ्री के अंतर्गत पार्ट टू है। साथ ही आप इसे हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है बीएड फोर्थ सेमेस्टर एमसीक्यू करके, तो वहां से आप चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आप पार्ट वाइज सीरियल वाइज लाइन से सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासन काल के दौरान हटाया गया? तो यहाँ पर फर्स्ट का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई सरकार के दौरान हटाया गया। करेक्ट आंसर वन का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, मौलिक अधिकारों से संबंधित 24वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ ये पूछा है, तो यह सन 1971 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री, बेगार और बलात् श्रम का निषेध कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो यहाँ पर थ्री की बात करें तो थ्री का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत ये वर्णित है। क्वेश्चन नंबर फोर है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने कब दिया? तो यहाँ पर फोर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सन 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव पूछा है, मूल कर्तव्यों में या कर्तव्य में शामिल नहीं है। आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो कितनी हैं ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। पहले तो हम उन चीज़ों को देखेंगे जो शामिल हैं, तो राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और स्वच्छता बनाए रखना, तो ये चीज़ें मूल कर्तव्यों में शामिल हैं। चूँकि प्रश्न पूछा है नहीं शामिल है, तो सामाजिक सांस्कृतिक का परिणाम ये जो है वो मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, मूल कर्तव्य में हमारी संस्कृति को बताया गया है, कैसा बताया गया है? तो यहाँ पर सिक्स का करेक्ट आंसर डी है, मूल कर्तव्य में हमारी संस्कृति को लोकप्रिय बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं, सेवन है, समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है। तो यहाँ पर आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण पूछा है, कौन सा कारण हो सकता है? तो यहाँ पर योग्यता का अंतर, अगर अंतर आ जाएगा तो असमानता आ जाएगी, तो यही हमारा प्रमुख कारण हो जाएगा। बाकी रूढ़िबद्धता, अवसरों की असमानता, परिश्रम एवं अंतर, तो इसमें ठीक है, लेकिन अगर योग्यताओं में अंतर करेंगे तो यह प्रमुख आर्थिक असमानता का कारण माना जाएगा। करेक्ट आंसर सेवन का यहाँ पर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, एट पूछा है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो एट की बात करें तो एट का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर भाग चार का में मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान का दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका एट का सी हो जाएगा, भाग का के अंतर, भाग चार का के अंतर्गत दिया गया है, यानी आपका
4A के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो यहाँ पर 9 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 14 जो है वह विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन पूछा है, संघ या संगठन बनाना किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो यहाँ पर 10 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। संघ या संगठन बनाना हमारा स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है वो आपको यहाँ पर कमेंट में बताना है। साथ ही अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की, तो मौलिक अधिकारों का विवरण संविधान के किस भाग में बताया गया है ये आपको कमेंट में बताना है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें, जो प्रश्न पूछ रहे हैं इनमें से आपके MCQs आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो उनका उत्तर आप ज़रूर देते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार, अधिकारों की बात करें यानी फंडामेंटल राइट्स की, तो ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 का सी हो जाएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, बेगारी निषेध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो यहाँ पर 12 का डी हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके अंतर्गत न केवल जो निषेध स्त्रियों की बात की गई है, बल्कि जो बालक वगैरह हैं उनके लिए भी, उनके ऊपर भी, छोटे बच्चे हैं जैसे, उनके ऊपर भी शोषण के विरुद्ध का अधिकार लगाया गया है। ठीक है, तो स्त्रियां हो गई, बच्चे हो गए, वृद्ध हो गए, ये सभी आ जाएंगे शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना 13 है, संवैधानिक उपचारों यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का अधिकार पूछा है। तो यहाँ पर 13 की बात करें तो 13 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 13 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो यहाँ पर 14 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पूछा, 1976 में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया? तो यहाँ पर पूछा है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार में किस संशोधन द्वारा भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जोड़ा गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कब जोड़ा गया, तो यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, संविधान के मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, समानता का अधिकार यानी राइट्स टू इक्वलिटी का वर्णन है, कहाँ है समानता का अधिकार? तो 16 की बात करें तो 16 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में हमारा समानता का अधिकार है। यहाँ पर जो समानता का अधिकार है वह मौलिक अधिकारों में किस नंबर पे आता है, ठीक है, आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17 देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है? तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं आप उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर पूछा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 17 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 25 से 28 तक के बीच में जो है संविधान के अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 18 पूछा है, शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान किस धारा में है? तो 18 का यहाँ पर हम देख लेते हैं, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 28 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 19 है। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। देखिए, मैंने अभी आपसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछा था कि हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, लेकिन यहाँ पर पूछा है भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51 ए में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर 19 की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर सी ही रहेगा, 11 ही रहेगी हमारे मूल कर्तव्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, किससे संबंध है वो आपको बताना है। तो 20 का करेक्ट आंसर डी है, मूल अधिकारों से संबंधित, भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मान्यता प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो यहाँ पर 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भाग 3। भाग 3 किससे संबंधित है इसको आप कमेंट द्वारा जरूर बताएं। भाग 1 किससे संबंधित है आप कमेंट करें, भाग 3 किससे संबंधित है आप बताएं, भाग 4 को अभी हमने बताया लेकिन भाग 4 का को लेकर के बात की, भाग 4 किससे संबंधित ये भी आप कमेंट में बताएं। जितना आप कमेंट में इन चीज़ों का उत्तर देंगे आपका जो MCQs है उतना ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि आप चीज़ें सर्च करेंगे, ठीक है, पढ़ेंगे और आंसर देंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम बीच बीच में क्वेश्चन भी कर लेते हैं। लास्ट में आपके पेपर के एक दिन पहले, क्योंकि 27 को आपका पेपर है तो 26 तक हम कुछ ऐसे MCQs तैयार करेंगे आपके संविधान से संबंधित, जिसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कुछ हट के क्वेश्चन होंगे सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पूछा है, हाँ ठीक है, 23 है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 24 मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आप प्रश्न ध्यान से पढ़िए, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में, अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो 24 ऐसे जो अनुच्छेद हैं उनमें वर्णन देखने को मिलता है, किनके बारे में, मूल अधिकारों के वर्णन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट 24 देख लेते हैं। 24 दिया है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर अगर 24 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर 25 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनकी संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 24 एक बार फिर से हम देखेंगे। 24 पूछा था कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, है नहीं थे। तो अगर थे की बात करें तो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 7 अधिकार प्राप्त थे। अब की बात करें 25 की, तो वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले 7 था, अब 6 हैं। एक कौन सा जो अधिकार है वो हट गया है उसको आप कमेंट में बताएं, नहीं पता है तो भी आप कमेंट करें, उसका आंसर आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। क्योंकि जल्दी में मैंने थे नहीं पढ़ा, है पढ़ दिया था, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 6 टिक कर दिया था। करेक्ट आंसर आप 24 का 7 और 25 का 6 करिएगा। 26 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं। तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार पूछे हैं कितने हैं। तो 26 की हम बात करें तो 26 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मूल संविधान का हिस्सा था, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा है, मौलिक अधिकारों का
निलंबन कौन कर सकता है? तो यहाँ पर 27 की बात करें तो निलंबन कौन कर सकता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 27 का डी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को किया गया है। 29 देख लेते हैं। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, केवल सांसद द्वारा जो है वह संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 30 नंबर क्वेश्चन की, तो 30 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मूल अधिकारों का प्रवर्तन जो है वो न्यायालय की उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं, करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट 31 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, न्यायपालिका जो होती है वो भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक करती है। नेक्स्ट हमारा 32 है। भारतीय संविधान के मूल अधिकार किसके प्रति गारंटित हैं या गारंटी देते हैं? तो यहाँ पर 32 की बात करें तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, भारतीय नागरिक सर्वत्र के प्रति गारंटी देते हैं। 33 देख लेते हैं। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संसद को है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध जो है वो संसद लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है किस पर है? तो 34 की बात करें तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय पर जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 34 का सी हो गया। 35 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो यहाँ पर 35 की बात करें, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, इसका मूल अधिकारों में जो है वो परिवर्तन किया जा सकता है, यह परिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। 36 पूछा है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? 36 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19A के अंतर्गत। 37 है, संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में कैसा अधिकार है? यहाँ पर 37 की बात करें तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देख लेते हैं। 39 पूछा है, भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो हृदय एवं आत्मा की संज्ञा जो दी है वो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको दी है, करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो यहाँ पर 39 की बात करें तो परमादेश जो होता है वह ऐसी याचिका है जिसका अर्थ होता है कि हम आदेश दे रहे हैं कि आप ऐसा काम करें। तो लास्ट में जो वीडियो आएगा उसमें परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षण ये सब किसके अंग हैं, चीज़ें हैं, उनको भी हम लेकर के आएंगे। तो आप लास्ट वाला वीडियो पेपर के एक दिन पहले ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। 40 देख लेते हैं, किस लेख का अभिप्राय पूर्णतः सूचित करना है? यहाँ पर 40 की बात करें तो 40 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षण, इसका अभिप्राय है पूर्णतः सूचित करना। 41 देख लेते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है, संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो 42 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन जो है वो संविधान के अनुच्छेद 23 में किया गया है। 43 देख लेते हैं, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है?
यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत जो है वो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर 44 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सूचना का अधिकार जो है वह ऐसा मूल अधिकार है जो भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। या किसको प्रदान किया गया है आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 45 है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में गोलकनाथ विवाद में अपने पूर्व निर्णय को बदल दिया। तो यहाँ पर 45 की बात करें, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद को अपने पूर्व निर्णय में अपने पूर्ण निर्णय को बदल दिया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 है, मूल कर्तव्य का उल्लंघन होने पर न्यायालय का क्या प्रावधान है। यहाँ पर 46 की बात करें, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान नहीं है करके दिया है, चूँकि बुक में इसका आंसर नहीं करके दिया है, चूँकि मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने की बात की गई है तो न्यायालय द्वारा दंड का प्रावधान दिया गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 46 का ए कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किसमें किस अनुच्छेद से किस तक किया गया है आपको बताना है। 47 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है वो मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। किस वाद में, ठीक है, कौन सा वाद था जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा कट गया है, ठीक है, तो ये पूरी तरह से आ नहीं पाया, तो क्वेश्चन आपका जो है वो मैं बता दे रही हूँ पढ़ के, आप नोट कर लीजिएगा, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, यानी संशोधन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 48 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ए दिया है आपका, यहाँ पर केशव नंदन भारती वाद में संशोधन का अधिकार दिया गया है। करेक्ट आंसर आप ए कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 48 नंबर क्वेश्चन पर रुकेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को लेकर के बात की जाएगी, जहां पर आपकी यूनिट 3 को कंप्लीट कर दिया जाएगा और यूनिट 4 का एक पार्ट बचेगा जिसमें हम यूनिट 4 को पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। तो इस तरह से जो आपका यूनिट 4 रहेगा वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, साथ में आपका पेपर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।